आपसा और लगे हुए हैं अपने काम पे, क्योंकि दुकान तो जाना नहीं है, दुकान बिल्कुल ऑफ कर दी है, तो बस घर की साफ सफाई में लगी हुई हूँ। और मैं ये कर रही हूँ सिंक साफ, सिंक में थोड़ी थोड़ी सी जम जाती है ना, वो जगह जगह से डस्ट सी एकदम, तो बस वही मैं कर रही हूँ साफ, लगे हुए हैं धीरे धीरे। टाइम भी पास नहीं हो रहा है, इनकी भी ऑफिस की छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, पूरे दिन कब तक टीवी देखें। और मैंने इसको क्लीन कर दिया है अच्छे तरीके से, ये लोहे की जूने से पूरी सी साबुन लगा के। साफ तो मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा डीपली साफ कर दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लग रहा था मुझे गंदा गंदा सा। आज इसकी सफाई कर रहा हूँ, निकाल के साफ डीपली करूंगी सफाई इसकी। और आप लोग भी बताना आपको घर के अंदर कैसा लग रहा है, कैसी छुट्टियां हैं, क्योंकि सबके काम बंद हैं, जिसका बिजनेस है उसका भी, जिसकी जॉब है उसका भी, सब घर के अंदर बैठे हुए हैं। हेलो जी, कैसे हो आप सब? और अब सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ कपड़ों की फोल्ड, कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। ये कल धोए थे, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो बस ऐसे ही रख दिए, क्योंकि अब सब लोग आलस में ज़्यादा आ गए हैं, आराम से उठते हैं, आराम से काम कर रहे हैं, ऑफिस तो जाना नहीं है। नहीं, मेरे हस्बैंड तो जा रहे हैं अभी ऑफिस, बट बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो आराम से काम कर रहे हैं। ये थोड़े से कपड़े थे, ये भी मैंने कल तय करके लिए रखी कि नहीं कल करूँगी, तो अब मैं इन्हें फोल्ड करके अलमारी में रखूँगी और फिर इनके लिए बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि ये तो जाएंगे ऑफिस। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है घर में? अच्छा नहीं लग रहा घर में बिल्कुल भी, मतलब मन नहीं लग रहा है, आलसी से हो गए हैं, बस सारे दिन सोते रहो और खाते रहो, बस ये हो रहा है। चलो भाई, मिलते हैं आप लोगों से बाद में, अभी करते हैं काम। आप लोग सोचोगे कि मैं किस चीज़ की कर रही हूँ सफाई, और ये मैंने थोड़ी सी सफाई की थी, क्योंकि घर पे है तो बस ये कर लो, ये काम कर लो, ये सफाई कर लो, तो आज मैंने निकाला है ये झूला, बहुत दिनों से झूल रही थी, ये कहाँ रखा हुआ है, लेकिन ये मिल गया, अलमारी में रखा हुआ था ऊपर पीछे, तो पता नहीं चल रहा था, पता इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि कभी मैंने ढूंढने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की कहाँ रखा है, बस यही तो पता था कि रखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो मैंने आज इसको साफ कर दिया, और ये है ईहा का झूला। ये जब ईहा छोटी सी थी तो उसकी पेस्ट कर लिया, ईहा की मौसी ने दिलवाया था ईहा के बर्थडे पे, तो ये रखा हुआ था ऐसे ही, इस पर ईहा के बाद अभी भी झूल लिया है, और अब ये रखा हुआ था, मैंने सोचा बहुत दिन से रखा हुआ था, अब मैं इसको दूंगी बोरी को, क्योंकि इसका कुछ घिसा तो है नहीं, मतलब ऐसा क्या ऐसा, ये नया ही है ज्यादा पुराना भी जितना, दो तीन चार महीने को झूलती है। और मेरी कोमल से भी बात हो गई है, अब वो इसको, मैं इसको ना गोरी को पहुंचा दूंगी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो ये गोरी के पास पहुंच जाएगा। और मैंने आज इसे ढूंढ भी लिया, और ढूंढ के मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर दी है, सफाई तो मतलब साफ ही था, पॉली बच्चों को पैक करके रखा हुआ था, और डीपली साफ कर दिया मैंने, और इसको हाँ और इसको देख कर मुझे मतलब यहाँ की याद आ गई कि यह जब छोटी थी तो मैं इस झूले के अंदर बिठा के जब काम करती थी, और क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था सपोर्ट के लिए यह को पकड़ने के लिए, कोमल के पास तो तन्नु है, तन्नु करा देती है यह गोरी को पकड़ने में हेल्प, तो बस मैं यही सोच रही थी कि जब ये छोटी यह छोटी थी तो मैं इसको झूले पे बिठा के तब काम करती थी। और ये अच्छा काफी हैवी प्लास्टिक का है, ऐसा नहीं है, हल्का है, कभी कभी तो ये होता था कि ये इसी पे बैठ के सो गई और सोने के बाद झूला भी उल्टा हो गया, लेकिन इसमें सपोर्ट के लिए ये है, मतलब बच्चा गिरता नहीं है, अच्छे से सपोर्ट होके ऐसे बैठ जाता है, हाथ इसके अंदर फंस जाते हैं। तो अब मैंने इसकी कर दी है सफाई, और अब मैं गोरी को दूंगी। अब आप ये झूला गोरी की वीडियो में भी देखोगे, लेकिन अभी नहीं, जब देखोगे जब ये झूला उसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी तो रास्ते बंद है, सब लॉकडाउन है, तो कोई कहीं नहीं जा पा रहा है,
और मैंने कोमल से भी पूछ लिया था, कोमल ने बोल दिया था कि कोई नहीं दे देना, है तो ये पुराना लेकिन कोई नहीं इसका कुछ नहीं घिसता पुराने का और नए का, और नया तो मैं उसके बर्थडे पे लेके जाऊंगी क्योंकि ये पुराना है, जुलाई में लेके जाऊंगी जब उसका बर्थडे आएगा, हम देखते हैं लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता है। और अब उसको मैं पैक करके दोबारा रख दूंगी क्योंकि जब कोई जाएगा। मम्मा उससे बोलो उसके हाथ में, अरे ये तो दो, ये लॉक है इसका। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो नहलाते, और अब दोपहर का टाइम है, मुझे बनाने हैं अभी के लिए आलू के परांठे, तो मैंने यहाँ पर आलू रख दिए हैं बॉईल करने होने के लिए, और मैंने इसमें हल्का सा नमक भी डाल दिया है, और अब ये आलू जब बॉईल हो जाएंगे तो मैं आलू के परांठे बनाऊंगी। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ये अभी के लिए खाना, ये दोपहर का खाना बना रही हूँ, सुबह तो मॉर्निंग में बन चुका था, तो अब मैं यहाँ पर दोपहर का बना रही हूँ उन दोनों के लिए, और यहाँ पर मैंने बनाए हैं अभी के लिए आलू के परांठे, बस खाली आलू के परांठे, और अभी ने सैलेड कटवाया था टमाटर और खीरे, तो यही मैं उसको खाना दे रही हूँ यहाँ पर बना के। और इहा के लिए बनानी है रोटी, तो दोनों की अलग अलग होती है फरमाइश, यहाँ पहले अभी को दिया है मैंने खाना, अभी यहाँ पर बैठ के टीवी देख रहे हैं, और अब मैं बना रही हूँ इहा के लिए। सब काम मेरा ख़त्म हो चुका था, बस ये मैंने दोपहर का खाना बनाया है, तो यहाँ पर सिर्फ खाना ही खाना बनाया है और कुछ नहीं किया है, और यहाँ पर अभी मेरे पास में आ गए हैं। अब मैं यहाँ पर ये भर रही हूँ किचन का सामान, अचानक से न्यूज़ आई कि कल मार्केट बंद रहेगी, तो बस सब पहुँच गए मार्केट में सामान लेने के लिए, तो मैं भी चली गई, ज़्यादा सामान तो मिला नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही मिला था, और मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास सामान पहले से रखा हुआ था, पहले ही मैंने भर लिया था राशन का सामान, लेकिन थोड़ी सी दालें ख़त्म हो रही थी, तो बस ये दालें और इन दोनों के लिए नमकीन बिस्किट मैगी वगैरह ये थोड़े से ख़त्म हो रहा था सामान, तो बस यहाँ पर मैं वही लेके आई हूँ, और ये सब मैंने साथ के साथ डब्बों में खाली करके रख दिए क्योंकि ये देखना था ना कि क्या बचा हुआ क्या नहीं, तो ये सारी डिब्बे ये सारी पैकेट मैंने लूज में लेके आई थी, पैकेट वाले नहीं मिले थे, ऐसा हो रहा था कि जो मिल रहा है बस वही ले लो, क्योंकि भीड़ बहुत बहुत ही ज़्यादा थी, हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही थी भीड़। और मेरे को कोमल ने भी फ़ोन किया और इन्होंने भी ऑफिस से फ़ोन करके बताया कि सामान जो ख़त्म हो रहा है वो ले आओ, तो बस मैं यहाँ पर वही सामान लेके आई हूँ और उसी को भर रही हूँ अब। यहाँ पर इहा अभी भी मेरे साथ में लगे हुए हैं सामान भरने में, मतलब जो सामान मैं डिब्बों में भर रही थी, और यहाँ पर ये इसलिए लगे हुए हैं, पहले तो मैंने दालें वगैरह सब चीज़ भर दी थी, और यहाँ पर ये इसलिए हैं क्योंकि ये सामान इनके मतलब का है, तो ये इसलिए दोनों मेरे साथ लगे हुए हैं। और यहाँ पर इहा मेरी काफ़ी हेल्प करती है, तो सारा सामान ऊपर उठा उठा के मैंने उसको दिया है, और वो ऊपर अलमारी में रख देगी, तो ये दोनों ही मेरी हेल्प करते हैं, अभी भी करता, लेकिन अभी टीवी देख रहा था, और इहा लगी हुई है मेरे साथ।